ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੌਂਡੇ ਬਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲੌਂਡੇ ਬਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਦਬਾਦ। हाँ तो यार फजर की नमाज़ पढ़ के आके हैं और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि हम लेट हो चुके हैं नमाज़ के लिए, तो वो वाकई ही लेट हो चुके थे, जमात खड़ी हो गई थी। बाकी ये है कि नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि पहुँच गए थे, लेकिन ये कि लेट पहुँचे थे, पहुँच गए थे सही। तो नमाज वमाज़ पढ़ ली है और अभी तो रोशनी होने लग गई है थोड़ी थोड़ी, और जैसे कि मैंने बोला था कि आपको अगली वीडियो में आ रहा है सरप्राइज़, तो वो सरप्राइज़ वाली जो वीडियो है ना वो मंडे को अपलोड होगी, क्योंकि संडे को मैंने कहा था कि चैलेंज वीडियो अपलोड करूँगा, और एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की है कोरियन नूडल की, और इस संडे को बारी है बेलजियन नूडल की, तो उसका चैलेंज व्लॉग आएगा संडे को, कल आ रहा है यानी कि आज आ रहा है, और जिस टाइम मैं अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो आज दिन तक आ चुका होगा, ठीक है, दिन या रात तक मेरा व्लॉग आ जाएगा वो वाला। तो अब ये है कि जो सरप्राइज़ वाली व्लॉग है ना तो वो आएगा मंडे को, ठीक है, तो वो मैं मंडे को अपलोड करूँगा। तो यार अब तो मोहब्बत दिखा दो अपनी सिम्बा को, सब्सक्राइब करके सिम्बा व्लॉग को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो इतना कुछ कर रहा हूँ यार, डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, रोज़ का व्लॉग मेरा आ रहा है, ठीक है ना यार। अब तुम्हारा काम बनता है कि तुम जाके सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी ये कि जो कल वाला सरप्राइज़ है ना वो बहुत बहुत मज़े का होने लगा है, ठीक है, बहुत मज़े का होने लगा है, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन उसका थोड़ा बहुत काम भी है, थोड़ा बहुत काम भी कराएंगे, तो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मज़े मज़े के व्लॉग आने वाले हैं आगे, बहुत मज़े मज़े के व्लॉग आने लगे हैं। तो और चैलेंजेस मैंने जैसे कि बोला हर संडे को चैलेंजेस आएंगे, तो हर संडे को आएगा, इसका मतलब आएगा हफ्ते की रात या संडे की रात आपको चैलेंज मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी ये कि सोते हैं क्योंकि सुबह बहुत काम है, एक सरप्राइज़ का काम है और एक चैलेंज वीडियो भी शूट करनी है, तो बहुत काम है इसलिए, तो सेटिंग वगैरह करनी है, अभी सोएंगे, नींद पूरी करेंगे तो यार फिर कुछ होगा ना, व्लॉग बनेगा ना, नींद ही नहीं पूरी करेंगे तो व्लॉग कहाँ से बनेगा। रात को 12 बजे एक एक बजे दो दो बजे मैं एडिटिंग करके सोता हूँ यार, थंबनेल बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, मैं अकेली चाहूँ व्लॉग भी बनाऊँ, पूरा दिन व्लॉग बनाऊँ, फिर वीडियो एडिट भी करूँ, ऊपर से रमज़ान है, रमज़ान में थोड़ा मसला होता है यार, थोड़ा सोने का भी, फिर सारी के टाइम उठना भी होता है ना, तो समझा करो बात को। तो इसी के साथ व्लॉग को ब्रेक देते हैं और हम करते हैं अपनी नींद पूरी, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद सुबह उठ के। ओके अल्लाह हाफ़िज़। हाँ तो यार अभी सुबह हो गई, और ये नहा धो लिए, नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, ठीक है। तो अभी आज काम बहुत है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, काम करेंगे। काम यही है कि अभी जाना है मेरे साथ बाजार, बाज़ार से सामान लेके आना है घर का, और साथ ही साथ तो सरप्राइज़ वाला काम भी है, और ब्लॉग भी एडिट करना है यार, बहुत काम है आज, ब्लॉग एडिट करके अपलोड भी करना है, और साथ साथ एक चैलेंज वीडियो भी बनानी है, तो बहुत काम है। तो जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, फिर आपको एक दफ़ा मिलते हैं, पहले बाजार वाला काम ख़त्म करके आते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ओपी पहले आज नया मिरर है भाई, मिरर करो आज नया मिरर है, साफ़ सुथरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्यार लग रहा हूँ ना, फिर मैं देख लो, ब्लैक मैं बहुत पहनता हूँ, ब्लैक बहुत पसंद है मुझे, ठीक है ना। बाकी ये है कि भी चलते हैं बाजार, मास्क मास्क अरे साथ ही ग्लव्स पहनूँगा, ग्लव्स पहनूँगा फिर देंगे भाई। ये जो आप पीछे पिंजरा देख रहे थे ना, ये है इस डॉन का पिंजरा, इसकी अलग सर्दी बहुत हो गया। एक फोत हो गया इसमें से, अलग सर्दी बहुत हो गया, और ये डॉन रह गया पीछे कला, इसके लिए जो कुछ लेके आएंगे इंशाल्लाह वो भी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, और साथ ही साथ नीचे हमें रखे हैं एक्सीबिशन, और साथ ही साथ हमें नीचे रखे हैं पैरट्स, एक्सीबिशन कहते हैं शायद, ये ऑस्ट्रेलियन पैरट्स कह रहे हैं, ठीक है, हमने ये भी रखे हैं, ये दो जोड़ी इस साइड के, और इसके दो बच्चे हैं, एक ही बच्चे हैं, और एक वाइट वाला किधर के, ये वाइट वाला बच्चे है इसका। या मरहबा, Oh,
दूसरे पिंजरे में दूसरी साइड का मैं वॉल वही दरमियान में ना पिंजरा बंद किया हुआ है, एक ये और एक न्यूजीलैंड अंडे अंडे किए हुए हैं, तो वो अंडे से बैठी रहती है वाइट, वो भी वाइट होती है, चम्मच की बात है वो। देखो वो आपको शायद वो से मैं तो दिखाता हूँ, वो आपको नजर आ रही होगी, वो अंदर बैठी हुई है, तो हमारे पता नहीं भाग रहे भाई, तो डर गया। चलो अलकुम तो यार, जैसे कि जोर की नमाज़ पढ़ के आ गए थे और बाज़ार से भी हो आए थे, तो अभी नमाज नमाज पढ़ ली है और अब आपको दिखाता हूँ सरप्राइज़। जो सरप्राइज़ था वो ये है, और है इसकी हालत ख़राब है, जिसको रिपेयर करवाते हैं, ठीक है, तो काम शाम करवाने जा रहे हैं अभी। ये है कि इसकी हालत बहुत ही ख़राब है, लेकिन इसमें एक मज़े की बात यह है वो आपको, ठीक है, तो इसकी एक ख़ास बात इस बाइक में, ठीक है, वो आपको नोट करना, मैं आपको आगे बताऊँगा, दोबारा वीडियो बनाऊँगा तो वो आपको बताऊँगा। इस बाइक में ख़ास बात भी है, तो ये है कि अभी चलते हैं बाइक का काम कराने, फिर मिलते हैं आपको बाद में। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम यार, कल ऐसा है ना, कल व्लॉग बना नहीं सका क्योंकि बहुत काम था बाइक का। जैसा आपको पता है मैंने बाइक दिखाया है आपको, तो बाइक का काम कराने वाला था, बाइक का काम करवा लिया, उसको सही जर्मन जेंगो मेंगो हो गया। अभी आपको दिखाते हैं बाइक, और बाइक दिखा के फिर आपको आप देखिएगा बाइक कैसे हो गया। आपको ना अच्छा लगा तो फिर बताइएगा कमेंट में, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा बाइक, मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कराया है बाइक का, यानी कि इतनी ख्वारी थी बाइक, कभी इधर से वो लेने जाओ, कभी ये लेने जाओ, यार बाइक काम अगर बाइक काम कराने निकलो ना पूरा दिन, कभी तो दो तीन दिन लग जाते हैं, इतना इतना काम है। और मज़े की बात यह है कि जो बाइक है ना, इसकी नंबर प्लेट ग्रीन है। सबसे मज़े की बात मैं आपको ये कहता था कि बहुत स्पेशल है ये बाइक, तो इसलिए क्योंकि इसकी प्लेट ग्रीन है, ये गवर्नमेंट का बाइक है, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिस से मिला है। तो यार कर दो यार, ज्वाइन कर दो सुबह व्लॉग को, मैं बोल रहा हूँ बहुत मज़े मज़े के व्लॉग आने लगे आगे, ठीक है ना, तो करो उसी के साथ ज्वाइन। और अभी आपको दिखाता हूँ बाइक की हालत, अगर बाइक अच्छा लगे तो प्लीज़ रेड बटन दबा देना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। तो यार जैसे कि इधर बहुत से बाइक खड़े हैं, ये देखो बाइक की बाइक खड़ी हैं, अब आप बताइए इनमें से कौन सा बाइक मेरा होगा। अव्वल तो मैं खुद बताऊँगा, लेकिन फिर भी आपको गेस करना होगा, कमेंट में लाजिम देगा कि किस किस को पता लग गया था कि मेरा बाइक ये खड़ा है, ठीक है ना। तो अब इसी के साथ यार बाइक दिखाने से पहले सिपा लोगों को ज्वाइन कर लो यार, मतलब मैं बाइक भी दिखाऊंगा, मैंने दिखा रहा कर रहे यार, वैसे लोगों को ज्वाइन कर लो यार, आगे बहुत मज़े मज़े के लोग होने लगे हैं, इंशाल्लाह शायद बर्ड्स का लोग भी लेके आएंगे आप। तो अभी आपको दिखाते हैं अपना बाइक, तो ये है मेरा बाइक, ये जो कल हमने देखा ना कितना प्यार करवाया है इसको, काम शाम करवाया, ये देखो ये बस, ये पीछे नंबर प्लेटें चेंज करानी रहेगी, इनको ज़रा नया बनवाना है तो ये रहेगी, इसको भी हम मॉडिफाई करेंगे, इनके तैयार करवाएंगे, नंबर प्लेटें बड़ी फिट लगाएंगे, बाकी ये है कि टैंकी टापे चेक करो, नए टैंकी नए टापे, और सीट का भी थोड़ा सा मसला है, ये कि करेंगे इंशाल्लाह, बस ये कि ओवरऑल सारा काम करवा लिए, अंदर इंजन सुनने का काम था, ट्यूनिंग सुनिंग करा ली है, और क्या था इसके, हाँ, और इसके शौक से मसला था एक नैडल वायर स्प्रिंग उसका, और फिर क्या नाम है अभी इसके हैंडल का वो कॉलम का मसला है अभी, तो उसके कॉलम भी सीधा करेंगे। बाकी है कि आप बताओ कमेंट में यार आप लोगों को बाइक कैसा लगा है, तो अपनी तरफ से फुल कोशिश ये है कि बाइक को जितना जल्दी काम हो सके करवाऊँ, लेकिन ये है कि अब जितना काम हो सकता था एक दिन में मैंने करवा लिया, अब अगले संडे को देखेंगे या इसी तरह से काम करवाते रहेंगे। बाकी अगर आप अगर बताएं कमेंट में कि क्या क्या करवाना चाहिए बाइक में, लेकिन यहाँ से पहले सिम्बा लोग को ज्वाइन करो ताकि भाई पैसे सीसा आए तभी तक क्या करवाएं, फिर 1-5 भी लेंगे अगर आप सब्सक्राइब किया, ठीक है, पक्का 1-5 लेंगे। तो ये था यार मेरा छोटा सा व्लॉग, तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, तो इसी के साथ सिम्बा को दीजिए इजाज़त, ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।